वजीर आजम ने खुद को और अपने दोस्तों को बचाने के लिए नैब ऑर्डिनेंस का सहारा लिया। मुल्क में बिजली है ना ही गैस, बस ठंड ही ठंड है। अकरम दुरानी की हुकूमत पर वार, कहते हैं कि नैब के बाद FIA को भी ऑपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। तनकीद करने वालों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वुजरा ने फौज और अदलिया को लड़वाने की भरपूर कोशिश की है। जो हवाओं का रुख है, अगर BRT पे वो असरअंदाज नहीं हो सकता स्टे है, तो बिलियन ट्री पे हम चाहते हैं कि फौरी अमल हो, मलम जबा पे अमल हो। हमारा एक एजुकेशन का स्कैंडल है, एजुकेशन के 25 अरब रुपए का, और एजुकेशन फाउंडेशन का डायरेक्टर है वो खुद TV पे सामने आया है कि मैंने जब वहां पर तहकीकात शुरू की और गोश्त स्कूलों का मैंने वहां पर पकड़ा के फलाना है तो मुझे हटाया गया। अभी एक और चीज भी सामने आ रही है कि नेब को तो इस तरह किया कि अभी आपके जहन में भी, मेरे में भी और पूरे मुल्क के लोगों के, नेब जो है वो एक बहुत ज्यादा मतनाजा इदारा है। अभी FIA को भी इस्तेमाल कर रहे हैं और वाजिद ज़िया की तकर्री जो है वो इस बुनियाद पे है कि आपने फलाना को गिरफ्तार करना है, आपने फलाना को गिरफ्तार करना, आपने फलाना को गिरफ्तार करना है। और ये तो ये भी चाहते थे कि जब अदलिया का फैसला आया तो वफाकी वज़रा ने अदलिया को और फौज को आपस में लड़ाने की भरपूर कोशिश की।